तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर स्कॉलरशिप्स के बारे में। मैंने अब तक 7 से 8 वीडियो स्कॉलरशिप्स पर बनाई हैं और उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स कवर किए हैं। और 2 बार मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियो बनाई है, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा इज़ वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इन कैनेडा दैट ऑफर्स लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना मेंशन स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, हाउ कैन अप्लाई and what steps need to follow while selecting a scholarship. So before I start this video further, please subscribe my channel and press the bell icon as well and never miss any updates, this kind of information in future. So let's get started, here we go. Okay, first one is I would like to talk about 1 year Canada graduate scholarship. Iski deadline before 1 November 2023 annually. Matlab ki ye har saal hi iski deadline hoti hai 1 November. Canada ki one of the popular scholarship hai aur bahut competitive bhi hai. Isme sirf masters aur PhD level ke students apply kar sakte hain. This scholarship is not for undergraduate students. If you are a student from a research level, you can apply for this scholarship. If I talk about the worth of this scholarship, दिस स्कॉलरशिप वर्थ इज $50,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, यानी आपको $50,000 पर ईयर मिलेगी 3 ईयर्स तक, और आप इसको यूनिवर्सिटी और अकोमोडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है तो इसमें थोड़ी टफ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनरोल इन द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपकी मास्टर्स की डिग्री एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिसमें आपका GPA मोर देन 3 होना चाहिए। एंड डेफिनेटली यू शुड हैव योर फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस एज वेल टू मेक योर प्रोफाइल मोर स्ट्रॉन्गर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू शुड हैव अ गुड कैनेडियन फॉर्मेट रेज्यूमे CV एज वेल। I have created many resume for international students and all of them enrolled in their desired university with the scholarships. So if you need these services from me, you can hire me. Link given below in description. Okay ji, next one is Alberta Graduate Excellence Scholarship. University of Alberta ki ye ek popular scholarship hai for master students ke liye jiski value $12,000 one time hai. Matlab ki aapko ये वन टाइम ही स्कॉलरशिप मिलेगी और इसकी डेडलाइन नवंबर 15, 2023 है। इफ़ यू टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होना पड़ेगा और आपको फर्स्ट सेमेस्टर 3.3 GPA या इससे ज़्यादा का होना चाहिए इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, आफ्टर गेटिंग एनरोल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा आपको एक पोर्टल दिया जाता है, स्टूडेंट पोर्टल, जहां आपको एक कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी, इट्स कल्चर एंड इट्स स्कॉलरशिप डिटेल्स, अवार्ड्स एट्सेट्रा। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की स्कॉलरशिप और बहुत सी डिटेल्स आपको उस पोर्टल पर दी जाती हैं, और उस पोर्टल में GSMS अवार्ड्स पोर्टल की एक अलग कैटेगरी है जहाँ पर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स फर्दर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली जो आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करेंगे इस यूनिवर्सिटी में उसकी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी आपको इस यूनिवर्सिटी में अपने प्रपोजल के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। फॉर द डिटेल्स आई हैव गिवन लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन, और आप इन लिंक्स पर जाके कंप्लीट डिटेल्स बाकी देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा ग्रेजुएट फेलोशिप। इस स्कॉलरशिप की खास बात ये है कि ये मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, और इसकी वर्थ भी बहुत अच्छी है। फॉर मास्टर स्टूडेंट्स आपको ये स्कॉलरशिप $14,000 ईच ईयर दी जाएगी, एंड फॉर PhD डॉक्टर लेवल स्टूडेंट्स आपको $18,000 प्रोवाइड की जाएगी ईच ईयर। ऑलमोस्ट मास्टर्स के लिए ये स्कॉलरशिप $28,000 बन जाती है, और PhD लेवल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट $72,000 तक बन जाती है, विच इज़ आई थिंक ह्यूज। इफ़ यू टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एनरोल होना पड़ेगा, और बाकी डेडलाइंस और फर्दर एप्लीकेशन डिटेल्स तो आप इसके लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है बिकॉज दिस वन इज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं करती, लेकिन पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिनमें से मिगेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, राइटसन यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप फर्दर इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। द स्कॉलरशिप वर्थ इज $20,000, जिसमें आप अपनी फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं।
अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपका 3 से GPA ज़्यादा होना चाहिए, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और आपके पास प्रोफेशनल CV होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, मेक श्योर कि आपको वहाँ पे ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही हो। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ विजिट योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके जी, लास्ट वन इज़ ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये ओंटारियो की पॉपुलर स्कॉलरशिप है और ऑलमोस्ट ओंटारियो की सब यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप को ऑफर करती हैं और इसकी वर्थ $10,000 to $15,000 ऑफर की जाती है फॉर 2 terms। बेसिकली कनाडा में टर्म्स सेमेस्टर्स को ही कहते हैं और ऑलमोस्ट 4 months ऑफ एकेडमिक का टाइम होता है एक सेमेस्टर में, मतलब कि 4 months आपकी स्टडी होती है, बाकी 2 months आपकी वैकेशंस होती हैं। ओके, स्कॉलरशिप के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एनरोल होना पड़ेगा और आपका 3 से GPA अबव होना चाहिए और आपके पास प्रोफेशनल रेज्यूमे से भी होना ज़रूरी है। इसकी डेडलाइन की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अपने लिहाज से है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन चेक करें। आपको इसकी डेडलाइन और फर्दर डिटेल्स एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। ओके, सो ये थी मास्टर स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर मैं उन पर वीडियोज़ बनाना चाहूँ तो 8 से 10 वीडियोज़ बना सकता हूँ। मास्टर स्कॉलरशिप्स के बारे में अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए या मज़ीद स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स चाहिए या आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स जानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, तो अब मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मेक श्योर कि एक अच्छी रेज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात याद रखनी है कि यूनिवर्सिटी का अपना ही तरीका होता है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का, हर यूनिवर्सिटी का। बाकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। फर्दर आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो भी जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसको विजिट करें और बाकी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लव दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ शेयर दिस प्रेशियस इन्फॉर्मेशन विद अदर्स एज वेल। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू।